मित्रों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, सनातन धर्म के ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि इस धरती पर या मृत्यु लोक में जीव जंतुओं की 84 लाख योनि निवास करती है, जिसमें से मनुष्य भी एक योनि है। उसी में से हमारा और आपका जन्म हुआ है और मृत्यु के बाद प्राणी या जीव को अपने कर्मों के हिसाब से अगला जन्म मिलता है। जब कोई जीव अपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म या सत्कर्म करता है तो उसे अगले जन्म में मनुष्य जन्म मिलता है। वैसे ग्रंथ की माने तो मनुष्य जन्म में जीव को सबसे ज्यादा कष्ट भोगने पड़ते हैं या पीड़ादायी ये जीवन रहता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि मनुष्य को जन्म से लेकर मृत्यु तक कौन से कष्ट भोगने पड़ते हैं। भागवत पुराण में जो लिखा है उसके माध्यम से आज जानेंगे। नमस्कार मित्रों, ज्ञानवेद रतन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ऐसी जानकारी और मिलती रही इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जब भी कोई जीव मृत्यु के बाद मनुष्य योनि में जन्म लेता है तो भगवान की कृपा से एक पुरुष के वीर्यकंठ के रूप में स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहां पर स्त्री के रज में मिलकर कण बन जाता है और लगभग 5 से 7 दिन के भीतर वो छोटे कण का रूप ले लेता है। उसके बाद अंडे के रूप में धीरे धीरे वो बढ़ता रहता है। 1 महीना होने के बाद सिर बन जाता है। जैसे जैसे समय बढ़ता है, हाथ, नाक, पाँव निर्मित होते जाते हैं। 4वें महीने में मांस बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद शिशु को भूख लगनी भी शुरू हो जाती है। फिर माता द्वारा खाए गए भोजन से अपनी भूख मिटाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे बढ़ता रहता है। जैसा माता भोजन करती है उसके हिसाब से शिशु बढ़ता रहता है। माता के गर्भाशय में आंतों से और झिल्लियों से गिरा रहता है। माता के गर्भ में शिशु एक बंद पिंजरे में पक्षी के भांति पड़ा रहता है। ना तो वो हिल डुल सकता है, ना ही कुछ कर सकता है। पर इस अवस्था में भगवान द्वारा दी गई दिव्य शक्ति प्रदान होती है, जिसके कारण उसे स्मरण शक्ति याद रहती है और पिछले जन्म के कर्म स्मरण हो जाते हैं, जिसके कारण वो शिशु एकदम बेचैन हो जाता है और 7वां महीना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से ज्ञान शक्ति भी आ जाती है और साथ ही शरीर थोड़ा स्थूल हो जाता है। वह शिशु ज्यादा भयभीत हो जाता है। इसके बाद शिशु परम पिता परमेश्वर को हाथ जोड़कर याद करता है, जिसने उसे माता के गर्भाशय में डाला है, कि हे परम पिता परमेश्वर, मैं बड़ा पापी हूँ, अधर्मी हूँ। आपने जो मुझे यहाँ पर भेजा है मैं इसके ही लायक हूँ। मेरे पास शरीर होने के बाद भी मैं कुछ देख नहीं सकता, कृपया करके मुझे यहाँ से बाहर निकाले। ऐसी शिशु भगवान से विनती करता है। शिशु माता के गर्भ में मल मूत्र और रक्त के बीच में फंसा रहता है। शिशु हिलने डुलने में आसक्त रहता है और बाहर निकलने के लिए दिन गिनता रहता है। फिर परमपिता परमेश्वर से याचना करता रहता है कि प्रभु, इस जगत से मुझे कब बाहर निकालोगे। साथ ही यह भी कहता रहता है कि भगवान, मैं इस जगत से बाहर निकलकर नित्य आपकी पूजा करूंगा, सत्कर्म करूंगा और लोगों की सेवा करूंगा, पशु पक्षियों को भी सेवा करूंगा, क्योंकि आपने मुझे मनुष्य योनि में जन्म लेने का सुनहरा अवसर प्रदान किया है। तब 9 या 10 मास में शिशु का जन्म हो जाता है। शिशु अपनी पुरानी याद या स्मरण शक्ति जन्म होने के साथ ही भूल जाता है। मृत्यु लोक में आ जाने पर शिशु विपरीत गति के कारण शिशु बार बार रोने लगता है और माता पिता द्वारा उसका ध्यान व पालन किया जाता है। शिशु अवस्था में जब बालक को पलंग पर सुलाया जाता है तो मच्छर और चींटियां काटती रहती हैं, लेकिन तब उठने या खुजलाने या मच्छर को हटाने का सामर्थ्य नहीं होता, इसी के कारण शिशु रोता रहता है। इस प्रकार मनुष्य का बाल्यकाल अवस्था का दुख भोग कर युवा अवस्था में प्रवेश करता है। उस युवा को जब उसके रुचि के हिसाब से कोई चीज नहीं मिलती है, क्रोधवश और देह के बड़े हो जाने के कारण अहंकार और अभिमान भी बढ़ जाता है, जिसके कारण कामी पुरुषों के साथ अपना बैर या विनाश का मार्ग साफ कर लेता है। साथ ही अज्ञानता के कारण अहम यानी कि मेरेपन का अभिमान विकसित हो जाता है, जो मृत्यु तक कष्ट ही देता है। उसी कारण तरह तरह के कर्म करता रहता है, जिसके कारण वो इस मायाजाल में फंस कर रह जाता है। बार बार संसार चक्र में जन्म लेना पड़ता है। जिसके अलावा मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद यदि भोग वासना में ज्यादा रुचि या उसी का अनुभव करने लगता है तो पहले जैसे ही नारकी योनि में वापिस से उसको जन्म लेना पड़ता है और सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवत पुराण में भी बताया गया है, किसी भी मनुष्य को ऐसे मित्र नहीं बनाने चाहिए जो हमेशा स्त्रियों में रुचि रखे या समागम में व्यस्त रहे। वैसे आपको मैं बता दूं, मूर्ख या अहंकारी प्रकृति के साथ रहने पर मोह या बंधन नहीं होता जितना स्त्रियों का संग करने से होता है या स्त्रियों के संगियों का संग करने से होता है। ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिसका स्त्री रूपी माया से मन या बुद्धि मोहित नहीं हो। स्त्री रूपी माया में इतना बल है कि वह अपने नयन से बड़े बड़े राजा या वीरों को मात दे देती। जो पुरुष अपने योग बल से या भगवान की सेवा करने से आत्मा या अआत्मा का अंतर जान गया हो, वो स्त्रियों का कभी भी संग ना करे, क्योंकि उन्हें ऐसे पुरुषों के लिए नरक का खुला दरवाजा बताया गया है। जो मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में स्त्रियों से आसक्त रहता है या मृत्यु के समय भी स्त्रियों का ही ध्यान करता है, वह अगले जन्म में स्त्री रूप लेकर पुनः धरती पर जन्म लेता है।
मनुष्य जीवन पाकर भी अगर कोई मानव अपने भौतिक सुख या लोभ के लिए किसी जीव को मारता है तो उसे अगले जन्म में उसी जीव योनि में जन्म लेना पड़ता है। जब मनुष्य अपने अंतिम पड़ाव में पहुंचता है यानी कि मृत्यु के द्वार पहुंचने पर, तो जो उसने अपने पूरे जीवन काल में कर्म की है उसके हिसाब से शारीरिक और मानसिक पीड़ा भोगनी पड़ती है। यानी कि जो मनुष्य अपने माँ बाप की बुढ़ापे में सेवा नहीं करता या घर से निकाल देता है तो उसके बच्चे भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। यह कर्म का नियम है और ऐसे संसार चक्र में चलता रहता है। जब मनुष्य की मृत्यु समय निकट आती है फिर से उसको भगवान द्वारा एक दिव्य शक्ति प्रदान की जाती है जिससे उसके सारे कर्म या पूर्व जन्म के कर्म वापिस से स्मरण हो जाते हैं। फिर मनुष्य पुनः दुखी अवस्था में विलाप करता रहता है और परमपिता परमेश्वर से पुनः विनती करता है कि प्रभु इस कष्ट भरे संसार चक्र से मुझे कब मुक्ति मिलेगी, ऐसा क्या करूं। और अपने किए ये कर्म याद करके वो फिर से रोता है और विलाप भी करता है। यमदूत आकर उस मनुष्य को कहते जब तुम्हारे पास समय था तब तुम लोभ वासना क्रोध से आसक्त होकर पूरे जीवन में बुरे काम करते रहे और अब जब तुम्हें कष्ट या पीड़ा हो रही है तब तुम भगवान से विनती कर रहे हो मुझे इस जीवन से मुक्ति प्रदान करो। यमदूत आगे कहता है अगले जन्म में अच्छे कर्म करना ताकि प्रभु के शरण में तुम्हें जगह मिल सके। इसके बाद यमदूत आत्मा निकाल कर ले जाते हैं। इसके बाद केवल मृत शरीर रह जाता है। इसके लिए मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन काल में दान पुण्य भगवान की सेवा और अधिक से अधिक सत्कर्म करे ताकि उसे संसार चक्र से मुक्ति मिल सके और सदा के लिए भगवान की चरण में जगह मिल सके। तो मित्रों आप इस बारे में क्या सोचते हो हमको कमेंट कर बताएं और साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।